नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परवेंद्र। लोजपा रामविलास मतलब चिराग पासवान की पार्टी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान और उनका कार्यक्रम नवादा में 8 जुलाई को निर्धारित है या सर्वविदित हो चुका है। और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सफल नहीं व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए जिले के कोने कोने में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आलम यह है कि प्रखंड स्तर पर जनसंवाद का जो कार्यक्रम, उसकी सफलता के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो चुकी है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम लोगों को न्योता भी भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। और आज जो है सो अंतिम दिन था प्रखंड स्तर पर जनसंवाद का और कल से पंचायत और गांव स्तर पर अभियान शुरू होगा। खैर, 8 जुलाई को जो कार्यक्रम निर्धारित है उसकी सफलता में लोजपा के कार्यकर्ता और नेता जो है सो पूरी ताकत झोंक रखे हैं। लेकिन उनका यह कार्यक्रम, मतलब चिराग पासवान का नवादा कार्यक्रम, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर काफ़ी परेशानी खड़ा करने वाला दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ इनपुट हमें मिला है। और यह सबसे ज़्यादा परेशानी जो है कहीं ना कहीं जो सिटिंग सांसद हैं चंदन सिंह, उनके लिए है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 2019 में तब लोजपा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी जीवित थे और उनके द्वारा जो है सो कुछ जो चिन्हित सीटें थी वो अपने पाले में की गई थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने वो अपने गठबंधन में 6 सीटें उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बिहार में दी थी और एक राज्यसभा की सीट भी मिली थी, जिससे रामविलास पासवान खुद गए थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। और 6 सीटें लोजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, 6 को 6 चुनाव जीत गए थे। उस दौरान नवादा की सीट जो भाजपा की परंपरागत सीट हुआ करती थी, उस सीट को भी कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के पास भाजपा ने सौंप दिया था। और भाई लोजपा के जो कैंडिडेट हैं चंदन सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई, चुनाव जीत गए थे। खैर, वो तो चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद अब जो है स्थितियां बदली है। राजनीति में कहा जाता है कि परिस्थितियां कब किस ओर करवट ले ले कहना बहुत मुश्किल होता है। हुआ ये कि जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उसके बाद सर्वविदित है कि लोजपा के जो 5 सांसद थे उन्होंने चिराग पासवान को ही अलग थलग कर दिया। लेकिन फिर कहते हैं ना, सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। उस समय 6 का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था उसमें 5 सांसद एक तरफ हो गए, लेकिन लोजपा का जो 5-6% वोट बैंक है वो चिराग पासवान के पास ही रह गया। शायद जिस समय जिन लोगों ने भी ऑपरेशन लोजपा उसमें चलाया था उनको यह आभास नहीं था, उन लोगों को ये लगा होगा कि चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाएंगे और सरेंडर करेंगे या किसी पार्टी में वो ज्वाइन करके अपनी राजनीति एक पार्लियामेंटर के तौर पर अपना ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लोजपा ये जब चिराग पासवान जब लड़खड़ाने की स्थिति में थे तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें थाम लिया और आज स्थिति ये है कि वो बिहार के राजनीति में एक फैक्टर बने हुए रह गए, जिस प्रकार रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। दूध मतलब दही जमाना हो तो जोरन की भूमिका तो उनकी आज भी, जैसे रामविलास पासवान जी की हुआ करती थी, चिराग पासवान की है। 5-6% वोट के वो मालिक हैं और जो पार्टी के जो पार्लियामेंटर लोग अलग हुए उनका व्यक्तिगत प्रभाव तो अपने क्षेत्रों में कुछ हो सकता है, लेकिन एक पार्टी के तौर पर सामूहिक रूप से उनके पास वोटों परसेंटेज बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में एनडीए के जो लीडरशिप है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है, वो चिराग पासवान को अपने पास रखना चाहती है और चिराग पासवान भी परिस्थितियों को भांप रहे हैं और उन लोगों से कहीं ना कहीं अपना हिसाब किताब चुकता करने में लगे हुए हैं जो लोग उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दिए थे। तो स्थिति यह है कि चिराग पासवान का नवादा में जनसंवाद और गांव-गांव तक कैंपेनिंग हो रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राजनीतिक मकसद है। और हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसके हिसाब से जो लोजपा चिराग हैं, चिराग पासवान चाह रहे हैं कि हमें पुरानी स्थिति में 6 सीटें हमें मिले, 6 से 7 सीट तक वो डिमांड कर रहे हैं। और उसमें जो प्रमुखता की जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं नवादा भी शामिल है, और इसलिए शामिल है कि नवादा से चुनाव लड़ाने के लिए उनके पास पहलवान भी हैं। 2-3 ऐसे चेहरे उनके पास हैं जो कि नवादा पार्लियामेंट्री सीट से चुनाव उन्हें लड़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब अगर चिराग पासवान को एनडीए का लीडरशिप तवज्जो दे रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं चाहेंगे ही कि हमें वो सीटें मिले जो आसानी से जीते, जीत भी मिल जाए और हमारे हार्डकोर लोग वहां से जीत कर आ जाए। तो अगर ऐसा होता है चिराग पासवान कि अपनी जो डिमांड है या उनका जो निगोशिएशन होगा या जो उनकी जिद होगी, उस जिद में अगर कहीं उस जिद के जद में नवादा सीट आ गया तो क्या होगा, तो चंदन सिंह का क्या होगा, बड़ा सवाल है।
और ज्यों ही नवादा में 8 जुलाई को जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है और बड़े पैमाने पर रखा गया है, व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी से चल रही है और कार्यकर्ता जो चिराग पासवान का विजन उसको लेकर के हम लोगों के पास जा रहा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नीतीश सरकार की विफलता वगैरह को लेकर जा रहे हैं, तो एक बड़ा आयोजन की तैयारी चल रही है उसके जरिए, और ये कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने वाली है और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी बढ़ाने वाली है तो एनडीए के अंदर निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से सिटिंग सांसद जो यहाँ के चंदन सिंह उनके लिए। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो चिराग पासवान जिस यहाँ से टारगेट कर रहे हैं उस डैमेज को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं सांसद चिराग पासवान जी सांसद चंदन सिंह जो हैं यहाँ के उनके ओर से भी कुछ कवायद शुरू की गई और हमें जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि उनके जो बड़े भाई हैं जिनकी छत्रछाया में उन्हें सांसदी मिली, मतलब सूरजभान जी की हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व सांसद बाहुबली नेता सूरजभान सिंह, वो 3 दिनों के प्रवास पे नवादा पहुँचने वाले हैं। लोजपा के सूत्रों ने हमें मजबूत सूत्रों ने हमें जानकारी दी और बताया कि 3 दिनों का प्रवास उनका नवादा में होगा और वो प्रवास जो होगा सांसद जो चिराग पासवान जो का जो कार्यक्रम है 8 जुलाई को उसके पहले होगा। पिछले मतलब जो बीता महीना है जून की बात कर रहे हैं, जून में 2-3 प्रोग्राम अंतिम सप्ताह में लगा सांसद चंदन सिंह का, लेकिन कतिपय कारणों से वो नवादा नहीं पहुँच पाए और इन मौके पर उनका कार्यक्रम रद्द होते रहा और ऐसे में अब उसके बाद कहीं कहीं सूरजभान जी का यहाँ कार्यक्रम अगर हो रहा है तो कहीं कहीं यह अनुमान सहज रूप से राजनीतिक तौर पर लगाया जा रहा है कि जो लोग भी लोजपा मतलब चिराग पासवान के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए कहीं कहीं उससे जो नुकसान होने की संभावना उसको डैमेज करने जो होने का संभावना उसको नियंत्रण करने के लिए वो सूरजभान जी यहाँ आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा चल रहा है, जैसे कि जो सांसद निधि वगैरह है उसको कहीं कहीं लार्ज स्केल पर जो है सो वैसे लोगों को जो कि प्रखंड और जिला स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं आइडेंटिटी रखते हैं उन लोगों के बीच में वो वितरित किया जा रहा है, उनकी उनकी मांग या उनकी अनुशंसा पर लोगों को दिया जा रहा है, ये सभी चल रहा है, कवायद चल रहा है। ये स्वाभाविक रूप से हर पार्लियामेंटर करते हैं या हर जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपना साधन संसाधन को हर स्तर पर झोंकता है उसमें, और ये अगर चंदन सिंह की ओर से हो रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी जब 2 अप्रैल को नवादा जिले के हिसुआ में जो कार्यक्रम हुआ था अमित शाह जी का केंद्रीय गृह मंत्री का, तो उस दौरान एक बात आई थी कि यहाँ से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो हो सकता है कि अगर चूंकि लोजपा के पास जो पशुपति कुमार पारस का गुट है उसके पास वोट बैंक ज़्यादा बचा नहीं है, वैसी परिस्थिति में उनकी पार्टी भी अगले चुनाव तक मतलब पार्लियामेंट चुनाव 2024 तक पार्टी भी रह जाएगी सुरक्षित संरक्षित, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज़्यादा चर्चा ये है कि उनके जो कुछ एमपी जो 5 एमपी बचे हैं कुछ आरजेडी की तरफ देख रहे हैं, कुछ जदयू की तरफ दे रहे हैं, कुछ भाजपा की तरफ देख रहे हैं, और जो स्थिति बन रही है उसमें यही परिस्थिति यही स्थिति सामने आएगी कि सब लोग कहीं कहीं शिफ्टिंग में जाएंगे और वो लोजपा जो पारस गुट है जिस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम है उसका रालोजपा वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो क्या होता है आने वाले दिनों में, और अगर रालोजपा नहीं रहेगा तो फिर ये लोग कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होगा, तो इसी परिस्थिति में क्या एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि जिस दिन अमित शाह जी का प्रोग्राम था उस दिन नवादा में जो लोजपा के खास करके सांसद जो चंदन सिंह उनके जो मजबूत स्तंभ थे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बबलू जी मतलब शशिभूषण बबलू और एक रंजीत यादव जो गोविंदपुर की राजनीति करते हैं वो दोनों लोजपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, तो उस दौरान भी हमारी बातचीत हुई थी तो हंसी मजाक में ही कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हमने कहा था कि भाई आप लोग मजबूत स्तंभ थे आप छोड़ दिए सांसद को, तो बोले छोड़ दिए पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि इशारे से उनका यह कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्हीं सारी संभावनाओं को भांपते हुए चिराग पासवान भी नवादा सीट पर दावा ठोक रहे हैं और यह हिसाब किताब चुकता करने का ही उद्देश्य उनका हो सकता है। और यह भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नवादा सीट बहुत मुफीद सीट रहा है और कई पार्लियामेंटर जो है सो भारतीय जनता पार्टी को नवादा के लोगों ने दिया है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है, हालांकि भाजपा के जो नेता हैं वो भी अपनी दावेदारी बहुत सारे ठोके हुए हैं नवादा से लेकर के बिहार भाजपा के जो बहुत सारे शीर्षस्थ लीडर हैं खास करके वर्ग विशेष के उन लोगों का तो दावा बनता है और लोग दावेदारी अपनी कर भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या बहुत सारे सवाल रहेंगे अनुत्तरित रहेंगे इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एक अपील कि अगर अब तक आपने
नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।